work it, baby. Well, hey guys, this is yo man with beard. कैसे हैं सारे भाई? I hope आप सब भी अच्छे होंगे. सुबह एक बात पूछूं बताओगे? नहीं. <laughs> क्या कभी आपका दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर किसी घने जंगलों में जाने का नहीं <laughs> <laughs> नहीं मेरा करता है So, अपने उसी दिल की बात सुनते हुए मैं आ गया हूँ मसूरी के सबसे सुंदर और घने जंगल में yeah! अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई लाइफ में ना आपको एक बार तो यहाँ पे आना चाहिए भाई ऐसी जगहों पे ग्रुप में आओ दोस्तों के साथ आओ बट ऐसी जगहों पे आओ यार इतना एडवेंचर है ना यहाँ पे इतना ज़बरदस्त जगह है ना ये नहीं देखा ना लोग मंसूरी लोग मसूरी आते हैं कैंपी फॉल चले जाते हैं माल रोड चले जाते हैं चलो भाई कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है कि फैमिली वाले होते हैं नहीं जा पाते बट जो लोंडे लपाटे हैं यार तुम तो आ सकते हो यहाँ पे यार नहीं आए तो कहाँ आए फिर यार असली मज़ा यही है भाई शोर शराबे शोर शराबे वाली ज़िंदगी में नहीं है ऐसी जगहों पे घूमने में ही असली मजा वो देखो कहाँ से आया हूँ यहाँ है असली मजा भाई जंगलों में A few later. भाई ये यह यहाँ से है जंगल के एंट्री देख रहे हो यहाँ से अंदर जाना है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का ऑफिस है बट पता नहीं क्यों यार यहाँ पे है नहीं कोई अभी ताला हुआ है कोई भी नहीं है यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे यार मतलब अभी इस टाइम पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है जंगल में पूरे और देखो भाई कितना घना है ये यह देखो यहाँ से खोलना पड़ेगा इसको ये रास्ता है हर हर महादेव है ओ भाई साहब देख रहे हो तो भाई आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई मेरे अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी नहीं है बट व यहाँ पर होते हैं एंट्री टिकट भी कटती है बट आज पता नहीं क्यों नहीं है बट मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे वो जब भी होते हैं ना हमेशा बोलते हैं ये जंगल जितना देखने में सुंदर है ना भाई उतना ही खतरनाक है मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे और ये भी वही वाले बोल ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यही बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कनेक्ट होने की वजह से अक्सर तेंदुए भालू और जंगली सुअर ना यहाँ नीचे से देखो कितना गहरा है नीचे यहाँ से ऊपर की तरफ़ आ जाते हैं लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है तो भाई जल्दी चलते हैं इससे पहले सनसेट हो जाए और मैं यहाँ पे फंस जाऊँ तो आप आओ तो अकेले मत आना मैं बार बार बोल रहा हूँ ये देखो भाई कितना गहरा जंगल है नीचे यार ये देखो अक्सर जंगली जानवर ना यहीं से ऊपर की तरफ आते हैं ये देखो और मैंने यहाँ जाना है देखो भाई ऊपर की तरफ़ इस पहाड़ पे चढ़ना है मैंने अंदर तीन किलोमीटर दो किलोमीटर तक है वहाँ जाना है ने तो जब भी आप यहाँ पे आओगे आपकी वह एंट्री करवाते हैं कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है जैसे आपका नाम आपका एड्रेस आपका फ़ोन नंबर वगैरह ताकि कल को आप इस जंगल में अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आपके घर वालों को फोन करके बता देंगे खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई जंगल की आवाज़ें सुन रहे हो ये अभी दिन के टाइम पे इतना ऐसी आवाज़ें हो रही हैं सोचो रात को कितना खतरनाक लगता होगा भाई गया हूँ भाई थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा अभी और ऊपर जाना है भाई मौसम भी चेंज हो गया है यहाँ पर फिर बारिश ना आ जाए यार फिर फंस जाऊँगा यहाँ पे यहाँ से जाना है भाई ऊपर अभी और बचा है भाई बहुत अंदर को जाके जितना आसान मैं सोच रहा था ना इस जगह को इस ट्रैक को उतना आसान है नहीं थक गया यार और मैंने अभी आदा भी नहीं करा ये देखो नीचे का व्यू पानी की बोतल यहाँ से लेके आना भाई अपने साथ ये गलती मत करना जो मैंने करी पानी की कुछ भी नहीं यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ आप हो मैं हूँ और ये प्यारा सा जंगल है थक गया हूँ यार सांस फूल हुई इतनी हार्ट बीट ऐसे हो रखी है एक तो ये जगह जहाँ से जंगल का रास्ता स्टार्ट होता है कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर आपको तब चलना होता है उसके बाद जंगल की एंट्री शुरू होती है उसके बाद भी दो ढाई किलोमीटर का ट्रैक है अभी और ऊपर जाना है भाई पानी ज़रूर लेके आना अकेले मत आना ऐसी जगह पे कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना दूर दूर तक जितने मर्ज़ी आवाजें मार लेना कोई बचाने वाला नहीं है देखो कोई तो है कोई भी नहीं तो ऐसी जगहों पे भाई किसी को साथ लेके ही आना अकेले मत आना और पानी की बोतल जो भी खाने पीने का सामान है सारा ले आना मैं फंस गया यहाँ पे आके अभी पानी की बोतल तो लेके आनी चाहिए थी कम से कम बाक़ी मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है भाई बारिश वाला हो गया यार अगर बारिश आ गई ना भाई यहाँ पे तो मेरी बैंड बच जाएगी नीचे उतरने में एक तो वैसे ही छोटा सा रास्ता है तो ऊपर से फिसलना हो जाएगा और बारिश में वैसे जानवरों के बाहर निकलने का चांसेस रहते हैं जल्दी मेरे को ऊपर पॉइंट पर पहुँचना होगा भाई थक भाई अभी भी नहीं आया भाई हालत ख़राब गई शाम भी होने वाली है यार यहाँ से मैं आया हूँ अंधेरा भी होने वाला है देखो शाम होने वाली है अभी तक तो मैं टॉप पे भी नहीं पहुंचा और मेरे को फिर नीचे उतरना है चार पाँच किलोमीटर का ट्रैक भाई लेकिन अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है लेकिन मैं बहुत आ रहा है बस पानी होता साथ चलते चलते अभी इतनी हिम्मत नहीं बची कि कोई जानवर भी आ गया ना सामने तो तीन कदम भागने की हिम्मत नहीं बची एक आधा बंदा ऐसी जगह पे होना चाहिए भाई कोई है कोई भी नहीं है भाई आप और मैं ही है हैं सिर्फ भाई मेरे को उस पहाड़ पे जाना है उधर है मंदिर और फिर ये ट्रैक खत्म ये देखो यहाँ से यू यहाँ तक आना इतना आसान भी नहीं था भाई हालत खराब होगी सो so भाई फाइनली पहुँचने वाला हूँ भगवान ना यार हमेशा मेरी मदद के लिए लास्ट में किसी को भेज देता है ये देखो मेरे को कौन दिखा अभी दिखा तो ये देखो सामने ये देखो भाई सामने ये देखो भाई, ये देखो भाई। यहाँ पे कौन मिला कैसे हो भाई लोग <laughs> आप लोगों की भाई बहुत हिम्मत है यार लड़कियाँ भी आ रखी है इतना आसान भी नहीं है ना भाई आप <laughs> आप आप जैसे आप जैसे आप जैसे लास्ट में मिलते हैं ना तो हिम्मत और बढ़ जाती है वैसे जगह अकेले आने लायक नहीं है यार ये देखो भाई भाई लोगों से क्या मिला यही तो चाहिए था एनर्जी ड्रिंक हम <laughs> लेंगे जय माता दी ये देखो भाई है ना कितना प्यारा <laughs> माता भी कितनी ऊपर बैठी है <laughs> और ये इस जगह का है भाई यहाँ पे ये ट्रैक खत्म हो जाता है जगह इतनी सुंदर है ना भाई इसको ऐसी सुंदर रहने देना और एक रीज़न ये भी है ये जगह इतनी सुंदर है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बंदे आते हैं कोई आता ही नहीं है सारे यहाँ से ना क्लाउड लैंड चले जाते यहाँ नहीं आता कोई भी इसी वजह से जगह अभी तक इतनी सुंदर है जन्नत है वही है एक बार तो ऐसी जगह भी आना बनता है तो भाइयों इतनी प्यारी जगह पे तो बस भगवान ही रह सकते सो <laughs> so भाई फाइनली ये ट्रैक कंप्लीट कर दिया है और जिन भाइयों को नहीं पता तो भाई ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था और मैं सिर्फ दो दो मिनट के लिए दो बार रुका था बट मज़ा बहुत आया यार ये देखो क्या प्यारी जगह है जन्नत है सो so जितने भाई नए भाई हैं वो ट्रैकिंग करने का सोच रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जो कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए तो भाई ये जगह आपके लिए है ऐसी ऑफबिट लोकेशन पर तो कवर करने में मज़ा आता है भाई कैम्टी फॉल बाल रोड दुनिया घूमती है भाई इधर आओ ये है जन्नत असली मज़ा आ गया भाई सो so भाइयों इस जगह का नाम है बिनोक हिल्स बिनोक टिब्बा भी बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं कुछ लोग तो यहाँ पे आओ यार छः महीने में एक बार करो दोस्तों के साथ घूमो फिरो घूमा फिरो करो यार असली ज़िंदगी यही है नाइन टू फाइव वाली जॉब में नहीं है <laughs> करो वो भी करो मना नहीं कर रहा बट घूमना फिरना भी तो ज़रूरी है ना भाई ऐसे नज़ारे फिर कहाँ देखने को मिलेंगे अभी हाथ पैर सही चल रहे हैं घूम लो चलो so भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना कमेंट्स करके बताना आपको ये जगह कैसी लगी आप कभी यहाँ पे ट्रैक करोगे या नहीं और जिन भाइयों ने कर रखा है ना वो बताना उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये फुल फ्रेंडली सिस्टम है मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ